जानते हैं आप इनको? आपको फिर जिनको नहीं पता, वैसे तो सबने बात कर लिया होगा, तो बहुत ज्यादा बताने जरूरत नहीं है। अपने आप में एक नाम है मंगलूजा, और आतंकवादी विरोधी मोर्चा के आप अध्यक्ष से आपने बनाया है, और आपको जिंदा शहीद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बताएगा? आपके ऊपर कई बार आतंकवादियों ने हमला किया है, कई लोग मारे गए आपके साथ वाले, आपके पूरा शरीर जो है घायल है, ठीक है ना, पांव खराब हो गए, शरीर में कई गोलियां लगी, उसके बावजूद भी आज भी आप में और हम में, जो हम बोलते हैं ना वर्दी वालों में बहुत ज्यादा जोश है, हमसे कई ज्यादा जोश आप में है। सुनना देखना वीडियो आपका, जस्ट मैं आपसे रूबरू करवा देता हूं। जो वर्दी है ये मातृभूमि की सेवा के लिए, सेवाओं की रक्षा के लिए हमारे लिए एक मौत का कफन है। कुछ दिनों के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे ने खून के लथपथ पौड़ी आते हुए मुझे देखा। शहीदों के परिवारों को, उनके दुख को मैंने देखा। आपके कारण आप सारी सारी रात जागते हैं। जैसलमेर की वो गर्मी, जम्मू कश्मीर की वो सर्दी, बंदूक पकड़ने भी मैं महसूस करता हूँ कई बार बड़ी मुश्किल होती है। हवाएं चलती हैं, कई जगह पे ऐसे पानी के तान हैं जहां पे शरीर की सारी बॉडी खराब हो जाती है। मैं जाके बॉर्डरों पे कई बार देखता हूँ, पर आपका जो जज्बा, जो वतन के मातृभूमि की सीमाओं के रक्षा के, वो इतना मजबूत होता है कि हम लोग सोते हैं और आप सारी सारी रात जागते हैं। कि पहले जवानों की शहादतें थी, एक रूटीन थी, जवान चला गया तो जवान चला गया, पर 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद के खिलाफ हर खुली जंग का ऐलान करने के बाद कि तेरी तरफ से गोली चलेगी, हमारी और तैयार खड़ी है, हम उतनी देर तक तुम्हारे से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जितनी देर तक दुश्मन देश की गोलियां चलनी बंद नहीं होती। हिंदुस्तान अमन शांति का, फौज का जवान चाहे वहां है, हमारी बहनें भाई चाहे वहां है, चाहे हिंदुस्तान में, हम अमन शांति चाहते हैं। हम मानवता का कत्लेआम होने नहीं देखना चाहते, पर पाकिस्तान सुधरा नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, ISI की इतनी खतरनाक है, जब जब को हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की वार्ता चली, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हों, और उसके बाद पहाड़ों के ऊपर हिमाचल के ऊपर हमला हुआ, 36 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, इतनी वहां की ISI मजबूत है कि समझौता हो ना पाए। पुलवामा की घटना हुई, हमारी पीठ पे छुरा मारा, हमारे जवानों की शहादतें जरूर हुई, CRP के जवानों की शहादतें हुई, पर उन जवानों की शहादतें जो हमारी पहले की शहादतें हुई थी, उनका हिसाब चुका दिया। पाकिस्तान में जाकर के पहली बार ऐसा हुआ कि सर्जिकल ऑपरेशन करके 15 मिनट के अंदर हमारे जिंदा शहीद की तरह जवान वापस उनके कैंपों को तबाह करके आगे, और उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई, फिर 370 धारा हटी। पहले क्या था? हमारे BS, हमारे CRP, हमारी फौज के जवानों के रोज पत्थर फेंके जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे थे, उसका अपमान होता तो उसको आग लगाई जाती, हमारे जवानों के सिर कट जाते, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके भेज देते थे, पर हमारी तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से कभी ऐसी हरकत नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ से होती थी। 370 धारा हटी, कहां पहले तिरंगा झंडा वहां लहराया जाता है, तिरंगे झंडे का तो अपमान होता था। देश आपके ऊपर खड़ा है, हर आदमी को बिजनेस करता है, को व्यापार करता है, को एजुकेशन सेंटर चलाता है, बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, किसके सहारे चलाता है, कोई सोच के देखो। ये जो वर्दी मौत का कफन पहना हुआ है ना, इस वर्दी के सहारे वो खुलेआम देखता है। हम सबको बताते हैं, जरूरी नहीं कि वर्दी पहन के ही राष्ट्र की सीमा हो सकती है, वर्दी के बगैर भी जज्बा होना। हमने आपको देख करके मौत का कफन हमने भी पहना, हमने कहा खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा।
हर तरफ गोलियां, हर तरफ मां, हमको कहां जाते, ये तो कौम का गड़ा है। हमने कहा कहो, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर आपने चीज को राष्ट्र के लिए निछावर कर दिया, मजलूमों की रक्षा के लिए। आप कहो हिंदुस्तान को व्यक्ति हमें गद्दार नहीं कह सकता, चंद खालिस्तानी पाकिस्तानों के, पाकिस्तान दुश्मन देश के कहने पे कर सकते हैं। दीवारों पे नारे लिखा करते हैं, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम, भारत एक धर्म ने गोलियां चलती, हम खाते थे, शरीर का आधा हिस्सा छाननी है। 70 लोग मेरे साथ शहीद हो चुके हैं, सीआरपी के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान, गाड़ियां की गाड़ियां उड़ा दी अपने सीआरपी के जवानों को, जो एलएमजी गाड़ियों में लगी होती आप ड्यूटी देने जाते, वो एलएमजी तो उड़ते हुए टुकड़े होते हुए देखा, अपने जवान के शरीरों को टुकड़े तोड़ दिया। कितना आरडीएफ 40 किलो आ गया, फिर ब्लास्ट में कितना आरडीएफ 45 किलो आ गया, उसके बाद आतंकवादी के दिन तो मरता ही। अब क्या किया जाए, फिर आतंकवादी विचार बनाते हैं, पूरे ट्रक के अंदर 100 किलो आरडीएफ भर करके जो गाड़ियों का काफला जाता है, खुद भी मर गए और इन सब जवानों को इनको मार के खत्म करके पकड़े गए। हम तो मर चुके, हम तो बोनस की जिंदगी पे, पर आज हम जीते हुए ये जरूर देख रहे हैं कि 370 धारा हट गई, पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने दिया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम एक स्टेट के अंदर हुआ, 36,000, जरा सोच के देखना 36,000 क्या कितने हुए, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों को घरों से निकाल निकाल के, ट्रेनों से, बसों से निकाल निकाल के गोलियों का निशाना बना, क्यों हुआ? देश की गंदी पॉलिटिक्स, कुर्सी, सत्ता, कुछ भी हो जाए, जवान जाते चले जाए और पुलिस के जवानों के घरों के घर खत्म कर, मिला ही कुछ, बच्चों को, छोटे छोटों को शहीद कर दिया, मां को कर दिया, बहन को कर दिया, पुलिस के जवानों को। तो गलतियां हमारे से जरूर, जब देश की पॉलिटिक्स का नाम होना चाहिए राष्ट्रवाद की राजनीति, अगर हो जाए तो हमारे जवान की तरफ से देखने, जो मैं वादा करता हूं, मैंने देखा है, मैंने वो भी देखा है वक्त, मैंने आज का वक्त भी देखा है। आपको तो आखिरी दम तक लड़ना है, आप तनख्वाह के लिए नहीं आते हैं बीएसएफ में, फौज में, आप राष्ट्र के लिए जज्बा लेके आते हैं। ऐसे कई परिवार देखता हूं, एक अगर पिता बीएसएफ में है तो आगे जनरेशन बीएसएफ, फौज, पुत्रा पुत्री आगे फिर तैयार खड़े, ये जज्बा है आपके अंदर। तो मैं आपको सलूट करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि बोनस की जिंदगी आप वर्दी पहन के सेवा करेंगे, मैं वर्दी के बगैर उन जवानों के लिए, परिवारों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, खड़ा रहूंगा, और मेरे से जो भी हो सकता है वो टेररिज्म के खिलाफ, हमारी जंग आखिरी दम तक जारी रहेगी। वंदे मातरम। आप हम सबको सलूट करते हैं, मैं इन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको सलूट करता हूं। बहुत कम लोग सोच पाते हैं, करने की बात तो बहुत दूर रही, तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही, उसको तारीफ कहूँ या कुछ कहूँ, शायद मेरे ख्याल से सारे शब्द छोटे हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ में है कि आप स्वस्थ रहें। जब इतने इतने आतंकवादी हमले आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि भारत माता को आप जैसे लाल की जरूरत है। आप स्वस्थ रहें और हम सब के साथ रहें। जय हिंद, जय वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पिता साहब की जय। पिता साहब की जय। पिता साहब की जय। ये सब पाना है इंडिया का।